अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदनान नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एडिज़ॉन। हम फेसबुक सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं और आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है ऑडियंस टारगेटिंग। हमने दो जो उसके लेक्चर ऑलरेडी क्लियर कर लिए हुए हैं। हमारा जो थर्ड लेक्चर है इसके ऊपर वो है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में ये थोड़ा सा मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है अपने उन बहन भाइयों और दोस्तों के लिए, थोड़ा सा फैसिलिटेट किया है उनको कि मैंने उर्दू में भी साथ इसकी थोड़ी सी कमेंट्स लिखे हैं। बेसिकली जो डिटेल टारगेटिंग है आप कह सकते हैं कि फेसबुक एड्स के अंदर ये इसकी जान है। तो इस तरह समझे आप, सपोज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आप एक BMW गाड़ी लेते, मिलियंस ऑफ मिलियंस की वो गाड़ी है। अगर वो गाड़ी अच्छी है लेकिन उसके टायर अच्छे नहीं है, इट मीन्स कि वो गाड़ी बेकार है। इसी तरह आपकी एड जो है वो जितनी मर्जी अच्छी हो, उसका क्रिएटिव जितने मर्जी अच्छे हो, उसका बजट आपने जितना मर्जी ज्यादा दिया हो, लेकिन जब तक उसकी डिटेल टारगेटिंग जो है ये वाली डिटेल टारगेटिंग ये आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपकी सारी एड जो है वो बेकार जाएगी, आपका बजट जो है वो जाया होगा। ठीक है, इस टॉपिक को इंतहाई गौर से सुनिएगा और बार बार इसको देखिएगा अगर समझना है। डिटेल टारगेटिंग के अंदर फेसबुक हमें तीन ऑप्शन देता है जी। सबसे पहली ऑप्शन वो हमें देता है डेमोग्राफिक, देन इंटरेस्ट, देन बिहेवियर। मींस ये तीन कैटेगरीज हमें चूज करनी पड़ती हैं हमें अपने ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कहते हैं व्हाट इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या है? डेमोग्राफिक बेसिकली आपका, ये मैंने लिखा हुआ आवर फेसबुक प्रोफाइल है। ठीक है, ये मैंने उर्दू में भी सारा लिखा हुआ है और इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। डेमोग्राफिक बेसिकली आप अपने प्रोफाइल के अंदर जितनी चीजें लिखते हैं फेसबुक वहां से सारे डेटा को लेता है और उसके मुताबिक आपको ऐड दिखाता है। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर लिखा है कि मैं PhD इन कंप्यूटर साइंसेस कर रहा हूँ। अब कोई एडवर्टाइजर आता है वो कहता है कि हमें उन लोगों को ऐड दिखानी है जिन्होंने PhD की है या PhD कर रहे हैं। तो चूंकि मेरे प्रोफाइल के अंदर लिखा होगा कि मैं PhD इन कंप्यूटर साइंसेस कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी एजुकेशन की बेस के ऊपर मुझे वो ऐड दिखाई जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफ स्टाइल डिटेल। सम डेटा इज अवेलेबल फॉर US, ये वहीं से मैंने डेफिनेशन सारी इसकी उठाई है, कुछ डेटा US के लिए। इसी तरह फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं कहता हूँ कि मैं एक एयरलाइन में मैनेजर हूँ और वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। अब कोई एडवर्टाइजर क्या करता है, वो कहता है कि उन लोगों को मेरी एड दिखाएं जो कि किसी एयरलाइन में एज ए मैनेजर जॉब कर रहे हैं। चूंकि मैंने अपने प्रोफाइल के अंदर लिखा होगा कि मैं एयरलाइन में जॉब कर रहा हूँ, वो एड मेरे तक जरूर आएगी, मुझे जरूर वो दिखाई देगी। ये आपके प्रोफाइल की बेस के ऊपर जितना डेटा होता है वो सारा डेमोग्राफिक के अंदर आता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, क्या इन शॉर्ट आप इसको इस तरह समझेंगे कि डेमोग्राफिक वो चीज है कि जो डेटा आप अपने प्रोफाइल के अंदर देते हैं वहां से फेसबुक आपकी इंफॉर्मेशन लेता है और लेके उसके बिहाफ पे आपको एड्स दिखाता है। ठीक है, ये आ गया। देन नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ है महसूस सामीन तक उनकी दिलचस्पियों, सरगर्मियों, उनके पसंद करदा सफात और करीब से मुतलका मौजूदात को देखकर उन तक पहुंचाना। मींस आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कौन से पेजेस देखते हैं, कौन से पेजेस को लाइक करते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास होती है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो आपको एड दिखा। तीसरा आता है कि बिहेवियर क्या है, इट इज बिहेवियर। बिहेवियर ये है कि आप अपना मोबाइल देख रहे हैं, एक एड से एड वहां पे रन हुई, आपने उसका कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया और उस साइट पे गए, वहां से जाके आपने कोई चीज परचेज कर ली, ये आपका बिहेवियर है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है डिटेल टारगेटिंग का, इसको मजीद इन डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक दफा फिर मैं रिवाइज करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुने। डेमोग्राफिक होता है आपका प्रोफाइल के अंदर जो डेटा होता है, जो आपने प्रोफाइल के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल की होती है, मीन्स की आप मैरिड है, सिंगल है, आप जॉब कर रहे हैं, आप इंप्लायर है, इंप्लाई है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप क्या एजुकेशन ले रहे हैं, वो सारा डेटा जो है उसकी बेस पे जो इंफॉर्मेशन ऐड दिखाई जाती है वो डेमोग्राफिक के अंदर आती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन आती है इंटरेस्ट की, मींस आप कौन से पेजेस लाइक करते हैं, आपके किन चीजों में इंटरेस्ट है। ठीक है, इस बेस के ऊपर भी आप एड दिखाई जाती है। और तीसरी ऑप्शन आ जाती है बिहेवियर की, कि आप एड देख रहे हैं, अपना मोबाइल देख रहे हैं, वहां पे एक एड आई और आपने उस पे कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया और प्रॉपर उस साइट पे गए, वहां पे जाके आपने चेकआउट किया और वो आपका बिहेवियर कहलाता है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, हम इसको फर्दर आगे जाके सारी चीजें देखें जी। तो ये आगे हम अपने एड सेट पे हम क्रिएट कैंपेन करेंगे और एज यूजुअल हम ट्रैफिक कैंपेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वो इसलिए सिलेक्ट करेंगे कि ये मोस्टली तमाम टॉपिक्स को क्लियर करती है। कंटिन्यू किया और हम आगे अपने एड सेट पे, हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, फिर ऑडियंस कंट्रोल के ऊपर लोकेशन हमने पढ़ लिया।
ये आ गया हमारा कन्वर्जन आ गया। उसके बाद आगे हम डायनामिक क्रिएटिव बजट एंड शेड्यूल ये हम पढ़ चुके हैं। हम आएंगे जी अब अपने डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस पे। ये आ गया हम शो मोर, यहाँ पे किया ऑडियंस सजेशंस, ये आ गया हमारा डिटेल टारगेटिंग। मैं अगेन इस चीज को दोहराऊंगा कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी ऑडियंस प्रॉपर सिलेक्ट नहीं होगी तो आपकी एड जो है आपका बजट जाया होगा। स्टेप बाय स्टेप इसको मैं आपको सिखाऊंगा, तो गौर से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। सबसे पहले हम एडिट करेंगे। एडिट किया हमने, यही जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ा था तीन चीजों का, ये आ गया हमारे पास। डिटेल टारगेटिंग हम कैसे कर सकते हैं? डेमोग्राफिक से कर सकते हैं, इंटरेस्ट से कर सकते हैं, बिहेवियर से कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स मींस हमारा जो फेसबुक के ऊपर हमने प्रोफाइल दिया है उसकी बेस पे, हमारी एजुकेशन की बेस पे, हमारी एम्प्लॉयमेंट की बेस पे ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। इंटरेस्ट, हम कौन से पेज देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट किन चीजों में है उसकी बेस पे। बिहेवियर, हमारा बिहेवियर क्या है, हम क्या चीजें बाय करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। चलें जी सबसे पहले डेमोग्राफिक को देखते हैं। ये हमारा डेमोग्राफिक है, ये देखें, जैसा कि मैंने कहा था हमारी एजुकेशन, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारा वर्क, ये सारा आ गया। डेमोग्राफिक में आएगा एजुकेशन, फाइनेंशियल्स, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क। हम देखते हैं जी एजुकेशन को देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन पे क्लिक किया, एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन स्टडी फील्ड स्टडी है, एजुकेशन लेवल को देख। इसमें आ गया एसोसिएट डिग्री, कॉलेज ग्रेड, डॉक्टरेट डिग्री। मींस हम इन लोगों को सर्च करना चाह रहे हैं, इन लोगों को नॉमिनेट करेंगे कि इन अगर ये बंदे फर्ज करें ये मास्टर डिग्री है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये वो कहता है पीपल हु इंडिकेट देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एज प्रोफेशनल डिग्री। लोग जिन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा हुआ है पीपल हु इंडिकेट देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एज प्रोफेशनल डिग्री, वो लोग जिन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि उनके पास हाईएस्ट डिग्री है, मास्टर डिग्री, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इट मींस कि इसको सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि हमें ये एड उन लोगों को दिखानी है जिन्होंने अपने प्रोफाइल के अंदर लिखा हो कि दे हैव मास्टर डिग्री। ओके, इसको किया हमने। हम आगे चलते हैं जी, हम फिर इसका इंटरेस्ट देखते हैं। हम कहते हैं मास्टर डिग्री हो उसके पास, प्लस ब्राउज, ब्राउज पे जाएं, इंटरेस्ट पे जाएं, और उसके पास आगे इंटरेस्ट में देखें जी बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली रिलेशन, ये आ गया सारा, फर्दर स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, इस पे जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी एड उन लोगों को दिखाई जाए जिनके प्रोफाइल में जिनके पास मास्टर डिग्री हो और वो मास्टर डिग्री कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। इसको सिलेक्ट, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया, आगे ये सारी फर्दर उसने ओपन कर दिया। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, ये इस तरह ये बाकी सारी चीजें हैं। फ्री सॉफ्टवेयर आ गया, हार्ड ड्राइव कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया। हम कहते हैं फ्री सॉफ्टवेयर इसमें आ जाओ। इसको जब क्लिक करेंगे तो मीन्स अब हम उसे कह रहे हैं कि हमारी एड उन लोगों को दिखाई जाए जिन्होंने मास्टर डिग्री की है और फ्री सॉफ्टवेयर में वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा इसमें दो चीजें क्लियर होगी, डेमोग्राफिक भी क्लियर हुआ और इंटरेस्ट भी क्लियर हुआ। ये अब हम फर्दर इसको देखते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, इसको भी हम क्लोज। अब देखिए जी डेमोग्राफिक के अंदर मजीद हम क्या देख सकते हैं। ब्राउज किया, डेमोग्राफिक किया, इसमें पेरेंट्स में देखते हैं हम, ऑल पेरेंट्स देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है ऑल पेरेंट्स, फिर कह रहा है पेरेंट्स अप टू 12 मंथ। मींस इसको अगर हमने सिलेक्ट किया, ये देखें पीपल हु आर लाइकली टू बी पेरेंट विद चिल्ड्रन एज अप टू 12 मंथ, उन पेरेंट्स को हमारी एड दिखाई जाए जिनकी बेबी की उम्र अभी 12 मंथ है। यहाँ पे आपको एक चीज मैं दिखाऊं, मैं थोड़ा सा बता दूं, मेरा अच्छा खासा रिलेशन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से रहा है और कॉर्पोरेट सेक्टर से है भी। बहुत सी कंपनियां जो ड्राई मिल्क बनाती हैं वो अपने कुछ ब्रांड जो बेबी बच्चों को देते हैं, छोटे बच्चों को देते हैं, उनकी बकायदा एक कैलकुलेशन होती है कि ये बच्चा कितनी साल तक ये दूध पिएगा। कुछ दूध होते हैं जो एक साल तक पीते हैं बच्चे, कुछ दूध ऐसे होते हैं जो तीन साल तक चलते हैं। ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है उन पेरेंट्स को हमारी एड दिखाओ जिनके पास जिनका बेबी जो है अभी 12 मंथ्स का हुआ है। जरा हम कर सकते हैं इसको फर्दर, इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम चलते हैं बिहेवियर में, हमने ब्राउज किया और यहाँ पे आ गए हम बिहेवियर में। बिहेवियर को मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सपोज आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं पे आप कोई एड देख रहे हैं और एक एड डिस्प्ले होती है, उस एड के कॉल टू एक्शन बटन पे आप क्लिक करते हैं और प्रॉपर दूसरी साइड पे जाके वहां से कोई चीज बाय करते हैं तो वो आपके बिहेवियर में आएगा। ये आ गया हमारा बिहेवियर। बिहेवियर में हमारे पास एनिवर्सरी है, बिहेवियर है, मोबाइल डिवाइस यूजर है,
कंज्यूमर हैं, डिजिटल एक्टिविटीज हैं, इसी तरह डिजिटल एक्टिविटी टीम है, मोबाइल डिवाइसेज हैं, फिर हमारे पास मोर कैटेगरी हैं, फिर परचेज बिहेवियर देखें जी। परचेज बिहेवियर में मोस्टली ये लोग, ये सेल्स जो हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट रन करते हैं, ये उनके लिए है। हम कहते हैं कि ये परचेज बिहेवियर जिन लोगों का है, वहां उन लोगों को हमारी एड दिखाई जाए। जब इस पे मैंने क्लिक किया तो उसने उसका जो कमेंट्स हैं वहां पे उसने शो कर दिया। एस्टिमेट में वेरी सिग्निफिकेंटली। अच्छा, इसका बिहेव, इसकी जो ये देखें, इसका जो ऑडियंस है वो 45 मिलियन की ऑडियंस है इसकी। और इसके कमेंट्स क्या हैं इसके अंदर, रिटेल टारगेटिंग में बिहेवियर के, पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, मींस उन लोगों को एड दिखाओ जो कि प्रीवियसली उन्होंने शॉप नाउ पे क्लिक किया है, जो कि जिनका बिहेवियर परचेजिंग का है। तो मोस्टली जो लोग सेल्स की कैंपेन लगाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, ये ऑडियंस उनके लिए सूटेबल रहती है जी। तो जो हमारा डिटेल टारगेटिंग है, इसको हम जितना डेप्थ में देखते जाएंगे हमारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इसको मैं शॉर्ट करता हूँ और दोबारा से मैं एक चीज को रिवाइज करता हूँ कि हम डिटेल टारगेटिंग जो है वो किस बेस पे कर सकते हैं। ये तीन हमारे पास उसकी बेसिक्स हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमारे पास कुछ सजेशंस भी होती हैं। सजेशंस के अंदर हमें वो चीजें दे रहा होता है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये लिखा। अब ये देखें, ये उसने सारी सजेशंस हमें दे दी। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट जॉब टाइटल है। फिर है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, ये एम्प्लॉयर है, ये कोई एम्प्लॉयर है जिसने अपनी प्रोफाइल के अंदर लिखा हुआ है कि इस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट है, ठीक है जी। इस तरह हम इसको डिटेल चीजें देख सकते हैं। अब हम इसको मजीद एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम इसको ब्राउज करते हैं और इंटरेस्ट में देखते हैं। इंटरेस्ट देखते हैं हम इसका शॉपिंग एंड फैशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ब्यूटी सैलून ये लिखा हुआ है जी। ब्यूटी सैलून, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन आवर लाइक पेजेस रिलेटेड टू ब्यूटी सैलून। हमारी ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, हम ये इन लोगों को दिखा सकते हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल के अंदर शो किया हुआ है कि हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन आवर लाइक पेजेस रिलेटेड टू ब्यूटी सैलून। ये है जी हमारा आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा और इसमें से आपने कुछ सीखा भी होगा। और हमेशा की तरह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक और चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं भी फेसबुक और शॉपिफाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं मैसेजेस का जवाब भी देता हूँ। और मुझे खुशी होती है जब मुझे आप लोग मुझसे पूछते हैं।